तो एक ऐसी खबर मैंने पढ़ी जिसको देखकर पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। नॉर्मली बॉलीवुड को काफी ट्रोल किया जाता है, बॉलीवुड खत्म या बॉलीवुड बॉयकॉट इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन प्रभास गारू ने जो बात सलमान खान के लिए कही है उससे ये तो साबित होता है कि वो सलमान खान के बड़े फैन है। लेकिन से ये भी साबित होता है कि पहले की फिल्मों को लेकर जो परसेप्शंस था वो कितना डिफरेंट था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी कहते हैं कि हिंदी फिल्म साउथ में नहीं चलती, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेहतरीन फिल्म बनाओगे, दंगल जैसी फिल्म बनाओगे, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म बनाओगे तो पूरा इंडिया में चलेगा, ये बात आपको समझनी होगी। और प्रभास ने मैंने प्यार किया के बारे में जो कहा है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो भी, और नहीं है और सिर्फ बॉलीवुड लवर्स है तो भी। प्रभास ने कहा कि सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया को थिएटर में उन्होंने जाकर दो बार देखा था। जब वो छोटे थे उनके दादाजी को भी सलमान खान बहुत पसंद थे और उन्होंने कहा, प्रभास ये बताया था कि 180 दिन तक लगभग ये फिल्म साउथ इंडिया में चली थी मैंने प्यार किया, यानी कि लगभग 6 महीने तक तो वो होती थी फिल्में। और दूसरी बात, उनके दादाजी कहते थे प्रभास के कि ये देखो ये होता है हीरो, ऐसा होता है हीरो, एंड प्रभास इज ऑल्सो एग्री विद दैट कि हाँ हीरो हो तो सलमान खान जो ऐसा। सो प्रभास ने काफी ज्यादा तारीफें कर दी है सलमान खान की और ऐसा लगता है कि वो भी सलमान खान के बड़े वाले फैन है। और साउथ इंडिया में कई सारे एक्टर्स हैं, उन्होंने सलमान खान की पहले भी कई ज्यादा तारीफ की है। वहीं इस वीडियो में कुछ और भी चीज बताना चाहता हूँ, काफी चीजें प्रभास ने कही। उन्होंने एक और बढ़िया चीज कही कि पुष्पा के आने से, उसके सक्सेस होने से और बाहुबली के स्पेशल बाहुबली से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो गैप है वो कम हुआ है, यानी कि हम अपनी फिल्मों को इंडियन सिनेमा फिल्म कह सकते हैं और ये ज्यादा बेहतर है। और बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि एक बाहुबली जैसी फिल्म हो, एक छोटी सी फिल्म अगर सही स्टोरी के साथ बने तो वो भी बदलाव ला सकती है। तो यानी कि चेंजेस जो हो रहा है सिनेमा में वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और हम वाकई में वन सिनेमा वन इंडिया, है ना, हमारा इंडियन सिनेमा इस तरह की ओर बढ़ रहे हैं, जो काफी अच्छी खासी बात है। तो बहुत अच्छी सोच रखते हैं प्रभास और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जो जो इंटरव्यूज मैंने कुछ देखे, मैं बहुत अब डीपली देखना चाहूंगा, स्पेशली हिंदी वाले इंटरव्यूज जो उन्होंने दिए हैं, क्योंकि इससे साबित होता है या पता चलता है कि कौन एक्टर कितना बड़ा है। यानी कि ये जो सोशल मीडिया पर लगाई गई आग होती है ना, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, ये सब वो सब कुछ नहीं है। और वाकई में ये जो बड़े स्टार्स होते हैं ऐसे ही बड़े नहीं है, इनका दिल भी बड़ा होता है, इन्होंने अच्छा खासा स्ट्रगल किया होता है, वो अच्छे खासे डायनेमिक्स जानते हैं सिनेमा की बारे में। और मुझे सबसे बड़ी बात या खुशी इस बात की हुई कि हाँ साउथ इंडिया में भी हमारी फिल्में पहले बहुत बड़ी बड़ी चलती थी और हिट होती थी, ये बात तो वैसे भी मैं वाकिफ था लेकिन प्रभास के मुंह से सुनकर ज्यादा अच्छा लगा। सो एनी वन हु सेज कि सलमान खान का स्टारडम या फिर हिंदी फिल्में क्या साउथ इंडिया में चलती है नहीं चलती है, उन सबके मुंह शायद इससे बंद हो जाने चाहिए। एंड थैंक्स प्रभास फॉर शेयरिंग सच ए फैंटेस्टिक डिटेल टू अस, एंड वी होप आपकी फिल्म राधे श्याम हिंदी मार्केट में दबा के चले, ऑल ओवर इंडिया दबा के चले, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट योर फिल्म विथ होल हार्टेडली, एंड फैंस इवन लव्ड our videos, so yes, keep watching Bollywood's crazies this space, and I'm definitely going to give you much much more than whatever you have expected from my channel, for sure, on Radhe Shyam.